पश्चिम बंगाल के हल्दिया में रविवार को विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी की कार पर कथित तौर पर हमला हो गया। हमले के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ होने का संदेह है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए आगर जिले के ग्राम जयसिंहपुरा के ग्रामवासियों के द्वारा अपनी स्वेच्छा से एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया। लॉकडाउन के दिन ग्रामवासियों के द्वारा गांव के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति का गांव में प्रवेश को लेकर पूर्ण रूप से चौकसी रखी गई। वहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया गया। गांव के रहवासियों ने गांव की सीमा के चारों ओर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर सारे रास्ते बंद कर दिए। इंदौर के पीर गली में रविवार देर रात कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री पर चोरों द्वारा फैक्ट्री में रखे माल पर हाथ साफ कर फैक्ट्री में आग लगाकर हफूचक्कर हो गए। मामला इंदौर के एमजी रोड थाने का है। सोमवार सुबह कुछ अज्ञात चोरों द्वारा श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी में रखे लाखों रुपए के सामान से हाथ साफ करते हुए फैक्ट्री में चोर आग लगाकर हफूचक्कर हो गए। आग की लपट देख आसपास के रहवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिस पर फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए अब होम क्वारंटीन होने वाले लोगों पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी। इसके लिए कलेक्टर अविनाश लवनिया ने सभी एसडीएम को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। संभाग में कर्मचारियों की टीम के साथ होम क्वारंटीन होने वाले व्यक्तियों के घर पर औचक निरीक्षण करेंगे। यदि इस निरीक्षण के दौरान वह व्यक्ति घर से बाहर पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। नेपाल में संकट का सामना कर रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सत्ता में बने रहने के प्रयास के तहत 10 मई को संसद में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। एक आधिकारिक बयान में रविवार को बताया गया कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सरकार के विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ओली की अनुशंसा पर 10 मई को संसद का सत्र आहूत किया है। ब्रिटेन में पुलिस को ताकतवर बनाने वाले बिल के विरोध में प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया है। अपराध, पुलिस, सजा और अदालतों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। शनिवार को भी लंदन में जमकर प्रदर्शन हुए। खास बात यह है कि ये किसी एक संगठन ने आयोजित नहीं किए, बल्कि कई मानवाधिकार संगठन और व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए शुरू किए गए हैं। इसराइल ने कोरोना की तीसरी लहर से जूझने के बाद जिस तरह से वापसी की है वो किसी भी देश के लिए मिसाल हो सकती है। वहाँ रैपिड वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने देश के लोगों को फिर से खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी दी है। फरवरी से धीरे धीरे इकोनॉमी को खोला जा रहा है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए शॉपिंग मॉल, जिम खुल चुके हैं। आखिर में स्कूल भी खोल दिए गए हैं और देश की पूरी आबादी बिना मास्क के कहीं भी आ जा सकती है, लेकिन बंद स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की 125 साल पुरानी लाइट हाउस वहाँ की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। न्यूयॉर्क सिटी सबवे दुनिया की उन गिनी चुनी मेट्रो सेवाओं में है जो हर समय चलती है। कोरोना महामारी ने इसे भी बुरी तरह प्रभावित किया है। सवारियों की संख्या कम होने से सबवे बंद होने की कगार पर है। देश भर में कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात के बीच शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की हालात बिना जानकारी तूफान में तैरती कश्ती जैसी हो गई है। जब केस घटे तो पीएम ने क्रेडिट लिया, हालात बिगड़े तो राज्यों को दोष दे रहे हैं। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सही मायने में लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी से नाराज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल चुनाव के दौरान रैलियों में भीड़ समेत कोरोना प्रोटोकॉल टूटने पर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने 26 अप्रैल को कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। आयोग के अफसरों पर तो संभवतः हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार शाम इसकी घोषणा की। पहले यहां 3 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन था, जिसे बढ़ाकर 10 मई की सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान पहले जैसे नियम ही लागू होंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर आने वाली है। सरकार को अब इसकी तीसरी लहर का डर सताने लगा है। सवाल उठने लगा है कि कोविड का तीसरा स्टेज ना जाने कितना घातक होगा। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने कोविड की तीसरी स्टेज को सही बताया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित है, इसे रोकने के उपाय में लगे हुए हैं। मांडे ने कहा तीसरी लहर से बचा जा सकता है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है।
मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी जामनगर तेल रिफाइनरी में प्रतिदिन 1000 MT से अधिक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। यह ऑक्सीजन COVID-19 से बुरी तरह प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है। रिलायंस आज भारत के करीब 11% मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले कर रहा है। मुकेश अंबानी रिलायंस के मिशन ऑक्सीजन की निगरानी खुद कर रहे हैं। सिरोही जिले के शिवगंज में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शनिवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा किया। SOG जोधपुर यूनिट उप निरीक्षक जब्बर सिंह ने बताया कि शिवगंज के एक मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा ब्लैक में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की शिकायत मिली थी। पिछले 2 दिनों से लगातार टीम शिवगंज में इन लोगों की रेकी करती रही। बाद में इनके मोबाइल नंबर पर कॉल कर बाजार में 4,800 रुपए में मिलने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 MG खरीदने की बात कही, जिस पर आरोपियों ने 50,000 रुपए के हिसाब में सौदा तय किया गया। जिले के मटेली राठान क्षेत्र में शनिवार देर शाम मिले बलून से दहशत का माहौल हो गया। यह गुब्बारा गांव 17F के खेत में मिला। खेत मालिक ने गुब्बारा देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी। इस पर पुलिस ने गुब्बारा कब्जे में ले लिया तथा इसकी सूचना खुफिया एजेंसियों को दे दी। पुलिस का कहना है कि पाक ऐसी करतूत करता रहता है ताकि सीमा पर तनाव जैसी स्थिति पैदा हो। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में देर रात एक 19 साल के युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, साथ ही फायरिंग भी की। मारपीट में घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान हवाई फायरिंग भी की। फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद चारों बदमाश भाग निकले। कोरोना महामारी ने आम जन को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। डर के कारण लोग अंतिम संस्कार में जाने से दूरी बना रहे हैं। कोरोना ने जीवन तो संकट में डाल ही रखा है, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष के लिए परिजन अपनों की अस्थियों का विसर्जन तक गंगा में नहीं कर पा रहे हैं। लोग हालात सामान्य होने के इंतजार में अपने परिजनों की अस्थियां मुक्ति धाम में स्थित लॉकर में ही रख रहे हैं, लेकिन अब तो वहां पर भी जगह नहीं बची है। स्थिति यह हो गई है कि अस्थियों को पीपों बाल्टियों और डिब्बों में रखना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर राजस्थान में मचे हाहाकार के बीच राहत की खबर है। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे प्रदेश के ऑक्सीजन कोटे को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। आगामी 2-4 दिन में राज्य को 100 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलेगी। ये ऑक्सीजन पश्चिम बंगाल में बने सेल के प्लांट और ओडिशा में बने टाटा के प्लांट से आएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में हर दिन 130 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन सब मिलाकर 110 टन आपूर्ति हो पा रही है। हालात यह है कि कई अस्पताल मरीज का ऑक्सीजन सेचुरेशन देखकर भर्ती कर रहे हैं। यदि सेचुरेशन 90 से कम है तो किसी भी बहाने से मरीज को टाल देते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई 150 टन प्रतिदिन होने लगे तो 3 दिन में 1,500 से ज़्यादा बेड बढ़ाए जा सकते हैं। इनमें 700 बेड तो MY, चाचा नेहरू और कैंसर अस्पताल में ही बढ़ जाएंगे, जिससे मरीज और उनके परिजन को एक एक बेड के लिए दर दर भटकने से मुक्ति मिल सकती है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र में एक बार फिर भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर अन्न क्षेत्र में दोनों समय सादा भोजन और एक समय का नाश्ता बनाकर पैकेट से वितरण के लिए PTS के कोविड सेंटर भेजे जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र के माध्यम से भोजन बनाकर जरूरतमंदों को पैकेट बांटे गए थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी के बंजारी घाटी ने एक बार फिर जान ली। यह घाटी खूनी घाटी बन चुकी है। NH7 पर 4 लेन बनने के बाद यहाँ अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को नांदेड़ से हल्दी लेकर असम के लिए निकला ट्रक अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में पलट गया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 घायल हो गए। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आलोट और थूरिया रेलवे स्टेशन के बीच तेज रफ्तार से दौड़ रही जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के AC कोच के पहिए में अचानक से धुआं और चिंगारियां उठने लगी, जिसके बाद ट्रेन को आनन फानन में थूरिया और आलोट स्टेशन के बीच रोका गया। ट्रेन रुकने के साथ ही चिंगारियां और लपट उठना बंद हो गई। बाद में ट्रेन के टेक्निकल स्टाफ ने ट्रेन के AC कोच के एक्सल में आई खराबी को ठीक कर ट्रेन को रतलाम के लिए रवाना कर दिया। कोरोना की आपदा के बीच शहर जन भागीदारी की एक मिसाल गढ़ने जा रहा है। जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी
और समाज सेवियों के सहयोग से जबलपुर में अब तक का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर डी मार्ट माड़ोताल में शुरू होने जा रहा है। खास बात यह है कि यहां एक ही छत के नीचे लगभग 400 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। यह अस्पताल भले ही ऑक्सीजनायुक्त ना हो, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ते हालातों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी पूरी टीम अब फील्ड में काम करेगी। मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट और चंडीगढ़ मुख्यालय में बैठे अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अफसर फील्ड में उतार दिए हैं। सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को अलग अलग जिलों की कमान सौंपी गई है। हरियाणा के रोहतक जिले के एक डेरे में रहने वाले ओगड़ बाबा राम कुमार नाथ का 29 अप्रैल को पहले हार्ट प्रॉब्लम और फिर कोरोना संक्रमण के चलते देहांत हो गया था, जिसके बाद डेरे के अनुयायियों को बाबा का अंतिम संस्कार करने के लिए बॉडी ना देकर पुलिस ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। रविवार को हरियाणा सीएम आवास के पास आकर बाबा के अनुयायियों ने हवन किया और मौत के तीसरे दिन जो तैयार किया जाता है वह किया। इस दौरान कई पुलिस के जवान वहाँ मौजूद थे। रोहतक पुलिस ने कोरोना महामारी के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। रोहतक पुलिस को डायल 112 योजना के तहत नई गाड़ियां अलॉट हुई हैं। इनमें 5 गाड़ियां शनिवार को ही रोहतक पहुंची हैं। रोहतक पुलिस ने फैसला लिया है कि भयावहता के इस दौर में पुलिस इन गाड़ियों को लोगों की सेवा के लिए एम्बुलेंस के तौर पर प्रयोग करेगी। फिलहाल इस व्यवस्था के तहत इन 5 इनोवा गाड़ियों को एम्बुलेंस में रहने वाले चिकित्सीय उपकरणों से लैस किया गया है। पटना में अब वायरस के हवा में स्प्रेड होने की संभावना है। यह खतरा पैदा करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग ही है। संक्रमितों की जांच के बाद खुले में फेंका जाने वाला वेस्ट बड़ा खतरा बन सकता है। स्वास्थ्य विभाग की मनमानी आम आदमी पर भारी पड़ सकती है। जिला स्वास्थ्य समिति और सिविल सर्जन कार्यालय के पास ऐसी मनमानी कोरोना काल में बड़ा सवाल खड़ा करने वाली है। कोरोना संक्रमण के बीच एक और जहां अनजान मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, वहीं बिलासपुर के CIMS में संक्रमण के चलते 7 माह की बच्ची ने दम तोड़ दिया। उसके बाद माता पिता दोनों छोड़कर चले गए। प्रशासन की टीम उनके गांव भी पहुंची, लेकिन वहां भी घर में ताला लगा मिला। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार BMW कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार हरियाणा RSS के प्रांत संचालक के बेटे सहित 2 की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कार सवार घर लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के वैसापुर गांव में एक झोला छाप डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने आए मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद ये कथित डॉक्टर अधेड़ का शव सड़क किनारे फेंक कर भाग निकला। जानकारी के अनुसार आरोपी डॉक्टर उसे फतेहपुर इलाज कराने की बात कहकर उसे साथ ले गया, जहां पर रास्ते में उसकी मौत हो गई। फिर झोला छाप डॉक्टर उसे रास्ते में ही छोड़कर कहीं भाग गया। वहीं इस मामले में प्रभारी निरीक्षक द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहे जाने वाली नंदीग्राम में मुकाबला 2 पुराने सहयोगियों के बीच था। एक तरफ CM ममता बनर्जी है तो दूसरी ओर TMC का साथ छोड़ BJP में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी थे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस राज्य में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। 294 सीटों वाले बंगाल में 292 सीटों पर चुनावी रण खेला गया था। इस दौरान TMC और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबले को अहम माना जा रहा था। राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए CM बनर्जी को बधाई दी है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी को उनकी पार्टी की जीत पर बधाई देता हूँ। अगले कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात 1:30 बजे ऑक्सीजन सिलेंडरों से भरी सेना की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे एक फौजी मौके पर शहीद हो गया, जबकि 2 घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर सड़क पर फैल गए, जिन्हें सुबह करीब 6 बजे दूसरी गाड़ी में लोड कर बेस अस्पताल दिल्ली ले जाया गया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। प्रदेश अब 1 सप्ताह के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके यह जानकारी दी।
नए आदेशों के तहत 3 मई दिन सोमवार से अगले एक सप्ताह के लिए प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस के प्रकोप का शिकार कब कौन हो जाए कुछ भी कह पाना मुश्किल है। इस वायरस ने देश भर में कोहराम मचा रखा है। अब एक्ट्रेस और एंकर कनिप्रिया के निधन की खबर भी सामने आई है। कोरोना से उनका निधन हो गया। खुद ब्रह्म कुमारी शिवानी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और आज देश में पहली बार एक दिन में 4 लाख से अधिक नए केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर लॉकडाउन शब्द चर्चा में आ गया है। कोरोना संकट के बीच सोशल मीडिया पर ई पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 3 मई से 20 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 3 मई से 20 मई तक देश में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। विमान ईंधन के मूल्य में शनिवार को 6.7% की एक बड़ी वृद्धि की गई। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के महंगा होने से जल्द ही डीजल और पेट्रोल के खुदरा भाव भी बढ़ाए जा सकते हैं। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली में विमान ईंधन का प्रभाव प्रति 1000 लीटर 3,885 रुपये यानी 6.7% बढ़ाकर 61,690.28 रुपये कर दिए। विभिन्न राज्यों में पेट्रोलियम पर बिक्री कर की दरों में भी भिन्नता के कारण वह ATF के भाव अलग अलग हो सकते हैं। COVID-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए गैसियस ऑक्सीजन की सुविधा से लैस 2,500 बेड वाली व्यापक चिकित्सा सुविधा स्थापित करने की योजना तैयार हो गई है। यह सुविधा सेल के 5 एकीकृत स्टील प्लांटों छत्तीसगढ़ के भिलाई, ओडिशा के राउरकेला, झारखंड के बोकारो और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तथा बर्नपुर में उपलब्ध वर्तमान सुविधा के अतिरिक्त होगी। कोरोना महामारी के इस दौर में लोग एक से बढ़कर एक ट्रेजेडी देखने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र में सामने आई ऐसी ही एक घटना में 10 महीने का बच्चा 2 दिन तक अपनी मृत माँ के शव से चिपक कर रोता रहा। इस दौरान बच्चे के लगातार रोने की आवाज़ पड़ोसियों को आती रही, लेकिन कोरोना के डर से कोई भी अंदर कमरे में घुसने को तैयार नहीं हुआ। दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित फोर्टिस अस्पताल ने अपने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का संकेत भेजा है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक वहां बस चंद घंटों की मेडिकल ऑक्सीजन बची है, इसलिए प्रशासन ने फौरन SOS संदेश भेजते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति मुहैया कराने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक वहाँ अब करीब 5 घंटे तक के लिए ही ऑक्सीजन बची है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंच गई है। 1.5 लाख डोज लेकर रूसी विमान शनिवार को करीब 4 बजे हैदराबाद में लैंड किया। इसके साथ ही देश को कोरोना के खिलाफ तीसरा हथियार मिल गया है। शनिवार से ही देश में टीकाकरण के पहले फेज की शुरुआत हो चुकी है, जिसे स्पुतनिक वी के आने से तेजी मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने हाल के दिनों में कई बार यह दोहराया है कि सरकार COVID-19 का हवाला देकर किसान आंदोलन खत्म नहीं करवा सकती। वो ये बात कहते रहे हैं कि किसानों की लड़ाई लंबी चलेगी और किसान बना देते अपने घर वापस नहीं जाएंगे। अब हाल ही में राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा, किसान हार मानने वाले नहीं हैं, जिस पर यूजर्स की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू करने के बाद भी संक्रमण की चेन नहीं टूट पाई है। अब सरकार ने जिन इलाकों में ज्यादा संक्रमित है वहाँ माइक्रो और मिनी कंटेनमेंट जोन पर फोकस किया है। यह जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी गई है। इधर इंदौर में घरों को चिन्हित करते हुए 22 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। गाँव के हालात बिगड़ने लगे हैं। जिस गाँव में महीने में 3 से 4 मौत साधारण या एक्सीडेंट से होती थी, जबलपुर के उस बेलखेड़ा गांव में अप्रैल में 28 चिताएं जलाई गई। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना से यहां से 3 मौतें दर्ज हैं और 18 संक्रमित, जबकि गांव में अभी भी 56 लोग बुखार खांसी से ग्रसित हैं। यह वही गांव है जहां पहली लहर में एक भी केस नहीं था। 7,536 की आबादी वाले इस गाँव में 1 महीने में 28 मौत हो चुकी है, यानी औसतन हर रोज एक। यहाँ एक डॉक्टर के संक्रमित होने के बाद गांव में कोरोना ने पांव पसार लिया है। श्योपुर से बीटेक की पढ़ाई करने इंदौर आई 24 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सवाई माधवपुर के आदिल और श्योपुर के मंजूर अली के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस ने केस दर्ज किया है। भंवरकुआ पुलिस ने बताया कि वह भोला राम उस्ताद मार्ग पर किराए के मकान में रहती है। आरोपित आदिल ने शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म कर फोटो निकाल लिए
और फिर आरोपी ने व्यक्ति से 50,000 रुपयों की मांग की। रुपए ना देने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी। इंदौर शहर में कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सभी जतन करता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी शहर में मरीजों की संख्या के ग्राफ में कोई कमी नहीं आ रही है। रोजाना मरीजों की जांच में पॉजिटिव रेट 17.5 तो वहीं स्वस्थ मरीजों के सुधार में 18% से अधिक की दर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नापी जा रही है। शहर में 1,12,672 नए मरीज बीमारी से ग्रसित है। अभी तक कुल 1,147 लोगों की कोरोना की जंग में हार कर मृत्यु हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर में अपने करोड़ों कस्टमर्स के लिए शनिवार को नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सभी खाता धारकों से बिना देरी अपने अकाउंट को जल्द अपडेट कराने के लिए कहा गया है। ऐसे में जो लोग जल्दी अपडेट नहीं कराएंगे उनकी बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। कोरोना की लहर का असर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL पर भी पड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद KKR का आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाला मुकाबला टाल दिया गया है। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला था। क्रिकेट वेबसाइट ESPN क्रिक इन्फो ने मैच टाले जाने की जानकारी दी है। IPL 2021 सीजन पर रद्द होने का खतरा मंडराने लगा है। सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर के पॉजिटिव आने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के 3 स्टार संक्रमित पाए गए हैं। ESPN क्रिक इन्फो की जानकारी के मुताबिक इसमें बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी, CEO काशी विश्वनाथ और बस क्लीनर शामिल है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोरोना के चलते पाकिस्तान सुपर लीग रद्द करनी पड़ी, ऐसा ही फैसला BCCI को इंडियन प्रीमियर लीग के लिए भी लेना पड़ सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव आने के बाद आज IPL में KKR और RCB का मैच टालना पड़ा है।